हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्चना जी, आज की शाम बहुत सुरीली होने वाली है। वाह, आपको मजा आ जाएगा। मैं कहता हूँ बेटे, बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा क्योंकि बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में, म्यूजिक अवार्ड शोज में इतने सिंगर नहीं होते हैं जितने आज इस मंच पे आने वाले हैं। लवली, तो बिना वक्त जाया करे मैं एक एक करके सबको मंच पे बुलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर समीर खान। समीर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अब आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर एश किंग। यो। और अब आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम, हमेशा मुस्कुरा मुस्कुरा के आप सबको गाने सुनाने वाले, एंटरटेन करने वाले शान। आज मेरे पास वेरिएशन बहुत है बोलने में, रेडियो में बोलते ना। अब आपके सामने आ रहे हैं जवान दिलों की धड़कन, प्लीज वेलकम मिस्टर सोनू निगम। So, दोस्तों, ये गायकी का सिलसिला अभी यहीं पे समाप्त नहीं होता है। अब आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा गजल गायक मिस्टर तलत अजीज साहब। आप सबकी भरपूर डबल एक्सेल तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगा हरिहरन साहब का। एक बार जोरदार तालियां, वाह वाह वाह। आइए गुरुजनों, प्लीज विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां बजती है। मोटा मोटा अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 7.5 करोड़ के सिंगर बैठे हैं सभी। आप अपना अपना लगा लो। 7.5 का अकेला ये खुद है तो कभी। अरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कसम से मैंने देखा इतना सारा टैलेंट एक साथ कभी नहीं होता, तभी होता है या तो आपस में किसी की फैमिली फंक्शन हो तब सब साथ ही जाते हैं या फिर प्रधानमंत्री ने बुलाया हो। जोरदार तालियां। पर ये बड़ी अच्छी बात है सोनू भाजी, क्योंकि आप सब लोग पब्लिक के इतने चहेते हैं, आप सब लोग इतने महान सिंगर हैं। अदरवाइज क्या होता है, जब इतना बड़ा ग्रुप होता है ना, कई लोग वैसे ही शेरवानी पहन के घुस जाते हैं। कई बार होता है। सर, मेरे बच्चों वाले सवाल रहते हैं, कभी ऐसा किया आपने शुरुआती दिनों में जब आप पॉपुलर नहीं हुए थे, पैसा वैसा नहीं कमा रहे, कभी ऐसे किसी की शादी में घुस के आपने खाना खाया और पकड़े जाने पर गाना गा के निकले? मैंने तो बचपन से शादियों के शो कर रखे हैं तो मैं तो शादी में जाता ही था, गाता था और कभी कभी खाता भी था। मेरे साथ एक किस्सा हुआ था जी सर, जो आज मैं शेयर कर रहा हूँ पहली बार जी। मैं एक शादी में पहुंच गया और मुझे पता नहीं था कि दूल्हा नहीं आया था। दूल्हा आया नहीं? नहीं आया, लेट आया। अच्छा। तो वो मैं जब गया तो बोले चलिए चलिए सर, वो निकाह नामा आपके लिए बैठ इंतजार कर रहा है, जल्दी दस्तखत कीजिए। मैंने आपको दूल्हा समझ लिया। और क्या, ऑलमोस्ट मेरी शादी हो गई थी, बच गया। करवा लेते लगे हाथ आप दर्जी। आप किस पॉइंट पे जाके रुके कि नहीं मुझे नहीं करना ही चाहिए? अभी आगे मत पूछ तो। अच्छा समीर और एश किंग ब्रो, आप पहली बार हमारे शो पे आए हैं जी, और पहली बार इतने लेजेंड गुणी लोगों के साथ आप आए हैं, ऊपर से आपने मुझे देख लिया बिना मास्क के। हाउ आर यू फीलिंग? बहुत नर्वस। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो। सेम है, मेरा इंग्लिश भी इतना अच्छा नहीं है। खूब जमेगा रंग। मैं हिंदी में पैदल करता हूं। और गाने आप बड़े अच्छे गाते हैं। कोशिश करता हूं। Bro asking? Yeah, I'm just asking. Okay. So am I. What is the meaning of asking? किसी ने ash करते हुए देख लिया था आपको? Ash is short for Ashutosh. Ashutosh Ganguly is my name. अच्छा। Ashutosh Ganguly. एक दोस्त ने बोला कि ash king. Like boss जैसे बोलते हैं, boss, हम king बोलते हैं वहाँ पे। तो एक दोस्त ने बोला ash king. तो मैं वही नाम रख लूँगा। तो खुदा ash king निकला Ashutosh Ganguly. वाह। तलत साहब का 1987 में आया था सर तसव्वुर। हाँ, 87 में तसव्वुर आया था। हाँ, तब अर्चना जी नहीं, 26 साल की हुई थी। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछा था कि 87 में जब तलत सर का एल्बम आया, कितने हैंडसम है मतलब, और बोलने चालने में भी इतनी अच्छी लियाकत। तो सर, उस समय जब इतनी फैन फॉलोइंग, लड़कियां वड़कियां आपको फोन करती होंगी, आप शुरू से ही तलत अजीज थे कि बीच में गलत अजीज भी हुए आप? मतलब अब ये है कि तलत और गलत में एक ही अल्फाबेट का फर्क है, त और ग। हाँ, तो बड़ा बारीक मुकाम है ये।
जरा सा इधर जाओ तो मुश्किल, इधर जाओ तो मुश्किल। मैं बताऊंगा अकेले बैठ के। हाँ जी। ये मेरा छोटा भाई जो है ना ये सारा जानता है। हरि सर जी, आपका जो एल्बम था आप शारे गजल, जी जी, उसमें सारी गजलें आशा जी ने गाई जी। उसके कुछ सालों बाद फिर सारी गजलें वो आपने गाई, तो आपने पहले टेस्ट किया था कि पहले गजलें हिट हो जाएं? हाँ जी बिल्कुल। फिर बिल्कुल, मैंने सोचा भी नहीं था आपने पकड़ लिया मुझे। अच्छा मैंने देखा है सोनू पाजी के आप जितने भी वीडियोस देखो ना, फिल्मी गानों के अलावा जो अपने एल्बम्स निकालते हैं, तो खुद इतने हैंडसम हैं, तो अपने वीडियो में एक्टर भी खुद होते हैं। शूटिंग वूटिंग थोड़ा मुश्किल काम है बहुत, मतलब नॉट दैट मैंने किया नहीं है। सोनू तुम कैमरे के सामने इतने एफर्टलेस हो यार, यू शुड बी मोर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मेरा पहला एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है जानी दुश्मन फिल्म करके कि मैंने बोला इसके बाद नमस्ते कर लेते हैं। व्हेन यू सिंग ऑन स्टेज तो क्या परफॉर्मेंसेज होती है उनमें, पर ये कभी कभी ऐसा गाना गा देते हैं ना कि सिंगर को एक्टिंग नहीं होती, क्योंकि एक्टिंग एक शब्दों पे आप कर लोगे, लाप लाप ले देते हैं, ऐसी मुर्गियां लगा देते हैं कि फिर एक्टर इधर उधर घूम के टाइम पास कर देते हैं। मुझे कभी इसमें नहीं, इसमें सबसे ज्यादा जो है कसूर इनका है, हरी जी का। हाँ, इन्होंने बहुत सारे सिंगर्स को बर्बाद कर दिया है। मतलब मुझे उषा उत्तम जी ने कहा था, यू नो हरी हैज स्पॉइल्ड सो मेनी, दिस सॉन्ग हिज ओन सॉन्ग ही स्पॉइल्ड इट कंप्लीटली, ही हैज रूइंड हिज ओन सॉन्ग, ही डजंट सिंग दिस सॉन्ग इन द सेम पैटर्न इन एनी शो एक्चुअली। यही है ऐसे। अच्छा आज हम सब जगजीत साहब को याद कर रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य रहा कभी मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाया, मेरी बड़ी तमन्ना थी जगजीत साहब से कभी मुलाकात करूं, और उनके शोज मैं देखता हूं वो ना बीच बीच में जोक्स बड़े क्रैक करते रहते थे बड़े, लेकिन उसके साथ साथ जगजीत जी की एक खास बात थी, बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। मेरी उनसे मुलाकात हुई 74 में, बहुत अच्छा पहले हैदराबाद आए थे शो के लिए, तो मैं कॉलेज में था, तो मैंने उनको घर पे बुलाया खाने पर। अच्छा जी। तो आ गए घर पे बैठे हैं, तो हमारी माँ ने खाना वाना बनाया, वो होता ना घर में हम बैठे हैं तो मेरा भी शौक माइक चाहिए मुझे घर में, तो घर का एक छोटा सा माइक था। अब माइक था मैं ढूंढ रहा हूँ, तो कहने लगे क्या देख रहा है तू, मैंने कहा वो भाई साहब वो स्टैंड नहीं मिल रहा है। अरे तो स्टैंड की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना, बैठ गया मेरे साथ, चल चल। तो दुगा ऐसे माइक पकड़ के, ये ऐसे माइक, ये मैं हूँ जगजीत, ये मैं हूँ, चल का। आई स्वेयर गॉड। अच्छा मैं भी जो अपने मूड में गा रहा हूँ, आँख बंद करके गा रहा हूँ, 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 आँख खुली मेरी तो मेरी माँ सामने नजर आई और कह रही कब तक वो हाथ पकड़े रहेंगे माइक पकड़े, बस कर गाना। भाई सॉरी। तो ये उनकी बहुत ही मतलब वो डाउन टू अर्थ जो कहते हैं ना, जो एक पर्सन। और फिर उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हें कुछ करना है म्यूजिक में तो तुम्हें आना पड़ेगा बम्बई। मैं आया और मेरा सबसे पहला एल्बम जब मैंने साइन किया फॉलोडर इंडिया से, तो पहला फ़ोन मैंने वहाँ से किया इनको ही, भाई साहब मैंने साइन किया तो कंपोज करोगे, कहाँ बैठा है तू, मैंने ऑफिस में बैठा हूँ, आ जा। गया मैं और ये पहला एल्बम मेरा जो था जगजीत सिंह प्रेजेंट सलत अजीज, जी जी जी, कैसे सुकून पाऊँ वगैरह, तो वो उन्होंने पूरा वो। मैं बहुत खुश हूँ कपिल, थैंक यू, इतने महान कलाकारों को तूने मिला दिया मेरे को। सर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। किसी ने पूछा आपसे? नहीं, मैं तो यार तेरा ही टाइम बचा रहा हूँ, वो एक एक करके मुझे पूछेंगे कैसे हैं आप, मैं बोलूँगा स्मार्ट हैं, बोले क्या कर रहे हो, मैं वेला हूँ, तो आपका टाइम वेस्ट होना, बता दिया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसे पूछा जाता है कि कैसे हैं आप? तो यार वो बिल्कुल ठीक हैं, सुपरस्टार हैं, तभी तो इधर आज तक तेरे शो में कोई खराब बंदे को तूने बुलाया। आपको भी तो बुलाया ये। ओ हेलो, मेरे को यहाँ किसी ने बुलाया नहीं, मैं यहाँ पे घुसा हूँ, जो बात है वो करो। सर बहुत खुश हूँ मैं, इतने सुपरस्टार सुरीले सिंगर कभी कभी मुझे मौका मिलता है, और इतने अच्छे सिंगर हो, ऑडियंस हो सुनने वाली, एक गाना अगर मैं ना गाऊं तो मजा बिल्कुल नहीं आना। तो कुमार साहब ये गाना आपकी नज़र क्योंकि खास है, इनके सामने क्यों गाना गा रहे हैं आप? मैं चाहता हूं उनको एक मौका दूं। अच्छा आप उनको मौका देंगे? हाँ। नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे मौका दे दो, वो तो मौका ही देना, आप दे दो मैं दे दूं, ऐसे थोड़ी मौका मिलता है, कोई टैलेंट होना चाहिए ना यार। टैलेंट है तो इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, वैसे थोड़ी तो हो जाता है, ऐसे मत करो। एक्चुअली मैं भी प्रोड्यूसर हूं सर, आपको खुशी होगी। थोड़ी
मैं एक लाइव शो करवाना चाहता हूँ सबको लेकर। आपने कभी किया लाइव शो? मैं करता है लाइव शो, रिकॉर्डिंग में मेरे को कोई बुलाता नहीं। अभी मैं चौराहे पे अर्चना जी गाना गा रहा था, ऐसे लाइव, उधर से पुलिस वाला आया, उसका मन होगा मारने लगा, पता है अपना अपना। तो उसने मुझे लाइव मारा, किसी ने ऐसे वीडियो बना ली, आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन में 15,000 व्यू, एक दिन में। मेरे गाने पे इतने नहीं आए जितने मेरे मार खाने पे आए। तो मैं तो यही काम करूंगा, हमें फेमस होना है। लेकिन मैं खुशी से ज्यादा सरकारी शो ही करता हूँ। कौन से सरकारी शो? ट्रेन में। नहीं, उसका भी काम, फायदे बड़े हैं, ट्रेवल उनकी, लाइटिंग उनकी, कैटरिंग उनकी, और टिकट शो होते हैं सर। टिकट शो, इतने फैन बार ऐसे वो चैट पे देख रहे होते हैं, मेरी टिकट कंफर्म हुई कि नहीं, मैं शो देख पाऊंगा कि नहीं। बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। गाना खत्म, उसी वक्त पेमेंट। हाँ, कई लोग नहीं देते, मैं माफ कर देता हूँ। अच्छा। क्योंकि वो पहले कहते हैं रिक्वेस्ट है कि सर चलो माफ करो, मैं कर देता हूँ माफ। मेरा मन ही ऐसा, कलाकार का दिल बड़ा कोमल होता है। मैं एक गाना आपको सुनाना चाहूंगा। एक मिनट, एक मिनट। ओ जूनियर मलिंगा जी, खबरदार जो आपने इधर गाना वाना सुना। आपको पता है सर, हमेशा गाना ही गाते रहते हैं, गटोड़ी कहीं के। गटोड़ी के? तू भी तो मेरे गाने में बीच में नाचती रहती, निचोड़ी कहीं की। कप्पू तू समझा दिया इनको, मैं मुझे गाना गाने दे प्लीज। रोजा जाने मन, रोज 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 क्यों आएगी वो रोजा? टिकट का पैसा आप दोगे क्या? यार मुझे गाने दो। तुम बिन तरसे नैना, पहले डिसाइड कर लो रोजा चाहिए कि नैना चाहिए आपको। यार ये Dates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.